जबलपुर रांची सनातन धर्म मंदिर लगातार 70 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित करते हुए चले आ रहे हैं। आज विजयदशमी पर्व पर जहां हर वर्ष भव्य रूप में जल समारोह निकाल के रावण दहन किया जाता था, वहीं इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण जहां देश में फैला हुआ है, इसके गाइडलाइन का पालन करते हुए समिति द्वारा लिए गए निर्णय में जो हर वर्ष विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती थी, वह इस वर्ष साधारण तरीके से सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों को राम लक्ष्मण हनुमान और लंकापति रावण बनाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से सनातन धर्म मंदिर से लेकर ACF पेट्रोल पंप COD मोड़ तक शोभा यात्रा निकाल करके वापस सनातन धर्म मंदिर में समाप्त की गयी। सनातन धर्म के संयोजक समिति द्वारा विगत 40 से 50 वर्षों पर से ये आयोजन रावण दहन एवं चल समारोह का किया जा रहा है। इस बार इस आयोजन को हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप देकर राम दरबार की एक झांकी सारे रांची शहर पर निकाली और जैसा आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हमने राम रावण का रूप देकर इस आयोजन को सम्पन्न किया। अखिल तिवारी। सनातन धर्म सभा का विगत 70 वर्षों से समारोह चलता आया है। संस्कारदानी की पहचान है हमारी सनातन धर्म सभा का चल समारोह और सनातन धर्म सभा का रावण दहन। इस वर्ष कोरोना की विकट समस्या को देखते हुए सनातन धर्म सभा के द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत छोटा किया गया। कोशिश की गई कि कम से कम लोग रहें, लेकिन ये परंपरा हमारी संस्कारदानी की, हमारे पूर्वजों की, बुजुर्गों की परंपरा है, सनातन परंपरा है, ये बनी रहनी चाहिए। इसका संदेश जनता को जाना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक ये सतत प्रवाहित होना चाहिए। इसलिए इस बार सनातन धर्मसभा के समारोह को संकीर्तन जुलूस हमने श्री राम की धुन के साथ निकाला और एक संदेश दिया और वापस अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं इस बार सारे पात्र हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भगवत स्वरूप लिया है और इनके पूजन के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। पुनः पूजन के साथ इसका समापन श्री राम और माता सीता के पूजन के साथ श्री राधा कृष्ण मंदिर में होगा।